हे एवरीवन, ये है आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम एंड आर यूनियन, जो कि है कोडशेप स्टार्टअप 21 का प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें क्या है कि हमें एक एरे दिया हुआ है जिसमें एन इंटीजर है। जैसे मान लेते हैं एरे ए हमें क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक। और हमें क्या है कि एक एरे बी बनाना है, जो एरे बी क्या होगा, 1 और 2 का। जैसे हमने बोला कि हमारे एरे ए में 5 नंबर थे, 1 2 3 4 5, तो बी में हमें क्या क्या डालना है, 1 और 2 का एंड लेना है, फिर 1 एंड 3 का एंड लेना है, 1 एंड 4 का, 1 एंड 5 का, इन सब का एंड लेकर हमें डाल देना है। फिर उसके बाद 2 3 का, 2 4 का एंड, 2 5 का एंड लेकर डाल देना है। सिमिलरली ऐसे करते जाएंगे तो हमारे पास बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, एन एन माइनस 1/2, टोटल इतने एलिमेंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें पेयर में दो दो एलिमेंट को उठाना है बी से, उन दोनों एलिमेंट को पहले रिमूव कर देना है, और उन दोनों एलिमेंट का जो और होगा वो हमें इंसर्ट करते जाना है बी में। और ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि हमें बी में एक एलिमेंट ना बचे, और लास्ट में जो एलिमेंट बचेगा वही हमें रिमूव कर देना है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर हो सकता है। जैसे अगर हम ये वाला टेस्ट केस लें 2 7 1, तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, हम मैं किसका लूँ, 2 और 7 का लूंगा एंड, फिर 2 और 1 का, फिर 7 एंड 1 का। तो ये जो हमें मिला एरे, ये हमारा एरे हो गया बी। फिर उसके बाद क्या है कि हम दो दो एलिमेंट को उठाएंगे, उनका और लेकर इंसर्ट करते जाएंगे बी में। मतलब सबसे पहले हम 2 और 0 का और लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2 और 0 का और, 2 मिलेगा। तो यानी हम अब 2 और 0 को रिमूव कर देंगे और हमारे पास, और 2 को इंसर्ट कर देंगे, तो हमारे पास एरे में क्या बच गया, 1 और 2 बी में। अब अगली बार क्या करेंगे, फिर 2 नंबर उठाएंगे, 1 और 2, इन दोनों को और लेंगे, इन दोनों का और क्या आएगा, 3। अब 1 और 2 को रिमूव कर दिया, इन दोनों एलिमेंट को जो नया और मिला उसको मैं इंसर्ट कर दिया बी में। अब हमें ये प्रोसेस तब तक करना था जब तक कि कोई एक एलिमेंट ना बचे, मतलब एक एलिमेंट सिर्फ रहना चाहिए बी में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बी में केवल 3 बचा है। अब यही हम 3 रिटर्न कर देंगे। आई होप को आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।